बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली ये रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी हम इसे बनाएंगे और बहुत ही सुपर डिलीशियस बनने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली के अंदर पानी लिया है, तकरीबन 2.5 लीटर पानी है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, चूल्हे की फ्लेम हाई कर देंगे और 1/2 टेबलस्पून जो है इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे या 1 टीस्पून आप कह लीजिए। पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आएगा हम इसके अंदर ये स्पेगेटी डाल देंगे और ये 500 ग्राम का जो है पैकेट है इसको अब हम हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमने। ये देखिए ये इस तरह से गली होनी चाहिए और ये अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे चूल्हे का और हमने इसका पानी जो है ड्रेन कर देना है और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। यहाँ पर एक कढ़ाही लेंगे, खुले मुंह वाला कोई भी आप बर्तन ले लीजिए ताकि हमें उसमें पकाना बहुत आसान होता है इसको। और उसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर चॉप्ड बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है लहसुन को, इतना कि लहसुन जो है पकना शुरू हो जाए। ये देखिए लहसुन जो है पकना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 से 3 जो है टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल देंगे काट कर। इसको भी हमने लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है। 1 मिनट के लिए बस हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने 1/2 किलो लिया है, बोनलेस चिकन है और इसको मैंने छोटे पीस में काट लिया था। अब चिकन को भी हमने हाई फ्लेम पर पकाना है इतना कि ये पिंक से वाइट हो जाए। जब तक ये चिकन पक रहा है हम यहाँ पर स्पाइस मिक्स तैयार कर लेते हैं जो कि इस स्पेगेटी की जान होता है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर चाइनीज़ नमक मैंने ऐड किया है, आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस और 2 टेबलस्पून यहाँ पर वाइट विनेगर ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, नमक हमने ज़्यादा नहीं ऐड करना, तमाम सॉस में नमक होता है इसलिए हम नमक को बहुत ध्यान से डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हमने नूडल्स को बॉईल करते हुए भी नमक डाला है तो इसलिए नमक को कम डालेंगे। यहाँ पे ये देखिए चिकन पिंक से वाइट हो चुका है और अच्छी तरीके से पक चुका है और अब हम स्पाइस मिक्स इसके अंदर ऐड करेंगे और चिकन को हमने अब हाई फ्लेम पर कुक करना है। इतना हमने पकाना है कि चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाए। हमने चिकन को हाई फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट और इसके बाद हम इसके अंदर गाजर ऐड कर देंगे। एक मैंने गाजर ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने जुलियन कट कर लिया था, इसे ऐड करेंगे। गाजर थोड़ी सख्त होती है इसलिए हम पहले ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखना है और गाजर डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे चम्मच चलाते हुए। और 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें ये ग्रीन शिमला मिर्च है 2 टेबलस्पून, रेड शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर स्प्रिंग अनियन, और एक छोटी सी गोभी ली थी मैंने बंद गोभी, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। और हमने इन तमाम सब्जियों को फ्राई करना है हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट और फ्लेम को हमने लो या मीडियम नहीं करना वरना सब्जियाँ जो हैं पानी छोड़ देंगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। हमने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे चम्मच चलाते हुए ताकि तमाम मसालों की खुशबू जो है एक दूसरे में आ जाए।
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने स्पैगेटी को बॉईल करके रखा हुआ है, इसको ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, बड़े ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार हो रही है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून चिल गार्लिक सॉस। इसका फ्लेवर बहुत ही ऑसम होता है इस टाइम पर अगर हम ऐड करेंगे तो। और ये 2 टेबलस्पून के करीब फ्रेश पार्सले है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो स्पेगेटी है तैयार हो चुकी है, इसे हम डिश आउट कर लेते हैं, सॉरी चाउमीन। ये हमारी चाउमीन तैयार हो गई है, बहुत ही खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही शानदार बनकर तैयार हो रही हुई है ये रेसिपी। आप सभी लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करते होंगे, एक बार इस तरीके से बना के देखिए, मेहमान हो या घर वाले सभी को ये बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।